वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लेट्रोजोल टैबलेट के लेने के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करती हैं। देखिए, जो लेट्रोजोल टैबलेट है उसके जो यूजेस हैं वो मल्टीपल होती हैं। बहुत सारी कंडीशन में इन टैबलेट्स का यूज़ होता है। कभी कभी पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी होता है। कभी कभी हम लोग जब IUI करते हैं तब इन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। IVF के केसेस में भी इन टैबलेट्स का यूज़ होता है। जो मेल हैं उनमें भी इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इन टैबलेट्स का यूज़ होता है। गायनोकोमेस्टिया कंडीशन में भी मेल्स में इन टैबलेट्स का यूज़ होता है। फीमेल्स में अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जैसे जो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, या फिर कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, PCOD के पेशेंट, या फिर PCOS, या फिर थायराइड की जिनको दिक्कत रहती है, या फिर कोई भी हॉर्मोनल इश्यूज होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। फिर वो डायग्नोज हो जाते हैं इनफर्टिलिटी के, और फिर ये टैबलेट्स यूज़ में ली जाती हैं। और इसके साथ ही जो फीमेल हैं जिनकी एज 45 प्लस हो जाती है, जो कि मेनोपॉज एज होती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हो तो इनके कौन कौन से पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं? तो देखिए, सबसे पहला तो है कि आपको स्वेटिंग हो सकती है इन टैबलेट्स को लेने से, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है, कभी कभी डायरिया भी होता है, आपको हेडेक हो सकता है, प्यास लग सकती है क्योंकि जब स्वेटिंग होती है तो प्यास लगती है, आपको थकान महसूस हो सकती है, हॉट फ्लैशेस कभी कभी देखने को मिलते हैं चेहरे पर, गर्माहट आपको देखने को मिल सकती है, चेहरा पूरा लाल हो जाता है इन टैबलेट्स को लेने से। तो ये कुछ इन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ले रहे हो, 5 दिन 10 दिन के लिए, तो ये अपने आप सबसाइड हो जाती हैं। इन टैबलेट्स का जो असर है वो 42 घंटे से 48 घंटे तक रह सकता है शरीर में, और फिर जब जैसे ही इन टैबलेट्स को लेना बंद करोगे तो लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक इन टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। वहीं अगर आपने किसी ट्रीटमेंट के लिए इन टैबलेट्स को यूज़ किया, जैसे गायनोकोमेस्टिया या फिर ब्रेस्ट कैंसर में, जहां पर इन टैबलेट्स को कम से कम आप 6 मंथ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक रेगुलर यूज़ कर सकते हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में इन टैबलेट्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रीवियस साइड इफ़ेक्ट्स के साथ में आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, जो सीरम कैल्शियम लेवल है वो फॉल हो जाता है, जिससे जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आपका जो बोन डेंसिटी है वो काफ़ी लो हो जाता है, और जो आपका ओवरियन रिजर्व होता है, AMH लेवल होता है, वो भी कम हो जाता है। तो कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट हैं, अगर इतने टाइम से ये टैबलेट ले रहे हैं तो उनका अगर AMH लेवल कम हो जाता है तो क्या इसका कोई शरीर पर गलत असर पड़ता है? तो देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते हैं, यूजली हम लोग मेनोपॉज की कंडीशन में इन टैबलेट्स को यूज़ करते हैं, जो कि 45 प्लस की एज होती है, जहां पर फीमेल्स के पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो जाती हैं और वो कंसीव भी नहीं कर सकते क्योंकि ओव्यूलेशन होता नहीं है, अंडा रिलीज होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल सेफ है। हालांकि इन टैबलेट्स को लेने से, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और जो है कैल्शियम लेवल वो कम हो जाता है, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने जरूरी होते हैं क्योंकि जॉइंट पेन होना, बोन पेन होना काफ़ी कॉमन होता है, और आपको जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है वो रेगुलर लेनी होती है। और अगर आप चाहें तो आप रेगुलर टाइम पीरियड पर ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो, ये मॉनिटर करने के लिए कि जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो प्रॉपरली सही लेवल पर है कि नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।